इलेक्ट्रिक ईल फिश, जिसे शायद आप जनरल नॉलेज में जरूर पढ़े होंगे, पर क्या आपको पता है ये बिजली का करंट बनाती कैसे होगी? यहाँ तक तो ठीक है, इसे खुद क्यों नहीं करंट लगता है? दोस्तों ये 400 वोल्ट या इससे अधिक का बिजली का करंट बना सकती है और इसके बॉडी पे डिपेंड करता है कि ये कितना बिजली का करंट बनाती होगी, क्योंकि इनकी लंबाई लगभग 8 फीट तक हो सकती है। आइए जान लेते हैं कि ये बिजली का करंट बनाती कैसे है। देखिए दोस्तों, इसके बॉडी में लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोसाइट कहते हैं, और ये हर एक सेल बैटरी की तरह काम करते हैं, जिनके एक साइड नेगेटिव चार्ज और दूसरे साइड पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये सारे सेल एक साथ जुड़े होते हैं तब ये हाई वोल्टेज का निर्माण करते हैं। और जब भी इन्हें खतरा महसूस होता है, इनके नर्वस सिस्टम से कमांड मिलते ही 1-2 मीटर के दायरे में अपना करंट फैला देती है, और जो छोटी मछलियां होती हैं वो इनके हाई वोल्टेज करंट नहीं सह पाती है और वहीं मर जाती है। जरा आप ही सोचिए, हमारे घर में 220 वोल्ट से 230 वोल्ट तक का करंट आता है, इससे आप समझ गए होंगे कि ये कितना हाई वोल्टेज का करंट बनाती होंगी। इंसान इसके करंट से मर तो नहीं सकता, पर पैरालाइज हो ही जाता है।